चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से हमारा एक बात है कि आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमारा वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखें। हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर है लेक्चर टू का डे टू, मतलब दूसरे दिन का लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हमें ध्यान रखना है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो मैं आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाता हूँ। यूनिट कन्वर्जन सीखने के लिए आपको इस लाइन को याद करना पड़ेगा। ये लाइन पढ़ लीजिए आप लोग, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। तो ये लाइन आपको याद होना चाहिए। यदि ये लाइन आपको याद नहीं है तो आप नोट कर लीजिए, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। अब इसमें हमें कैसे कन्वर्जन करना है, इसमें एक और समझ लीजिए पॉइंट। किलो के नीचे मीटर लिखा है और लीटर लिखा है, और इधर पे ग्राम भी होना चाहिए था, जो ग्राम था इधर डबल लिख गया है। तो इधर पे किलो के नीचे मीटर लीटर ग्राम होगा, इधर भी मीटर लीटर ग्राम होगा। मैं पेंसिल से समझा देता हूँ आपको। जैसे इधर मीटर लिखा है, इधर लीटर लिखा है, तो इधर ग्राम भी होगा, इधर ग्राम होगा, और ये ग्राम इधर डबल हो गया है, ये नहीं होगा इधर, ये लीटर और ग्राम होगा, इधर लीटर और ग्राम होगा, और ऊपर मीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये मीटर ऊपर लिखा हुआ है। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, जैसे इधर पे मीटर लिखा हुआ है, ये ऊपर मीटर लिखा है, फिर लीटर है, फिर ग्राम है। तो ऐसा इधर भी मीटर लीटर ग्राम, और इधर भी मीटर मीटर लीटर और ग्राम। तो इस तरीके से किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर ये पूरा हो जाता है। अब इसको हमें कैसे समझना है, जैसे इधर से हम आगे से लाइन पढ़ेंगे तो ये किलोमीटर हेक्टोमीटर डेकामीटर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर। यदि हम मीटर में पढ़ेंगे, यदि कोई लेंथ को हम नापना चाह रहे हैं तो हम सबके साथ मीटर मीटर लगाएंगे। यदि हम किसी लिक्विड को नाप रहे हैं तो ये लीटर लगाएंगे, किलोलीटर हेक्टोलीटर डेकालीटर लीटर डेसीलीटर सेंटीलीटर मिलीलीटर। यदि हम किसी द्रव्यमान को मापना चाह रहे हैं तो आएगा किलोग्राम हेक्टोग्राम डेकाग्राम ग्राम, फिर डेसीग्राम सेंटीग्राम और मिलीग्राम। तो दोस्तों, हम मीटर से आपको समझाते हैं, हमने और आपको बता दिया आप कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। ग्राम वाला भी कर सकते हैं और लीटर वाला भी कर सकते हैं, मैं आपको मीटर वाला बता देता हूँ। तो अब इसमें हमें इसको समझना कैसे है कि हम कैसे कन्वर्जन करेंगे। तो जैसे हम किलो से स्टार्ट करते हैं, तो किलो से स्टार्ट करेंगे तो एक स्टेप हम जंप करके हेक्टो पर आएंगे, फिर एक स्टेप जंप करके डेका पर आएंगे, डेका से एक स्टेप जंप करके मीटर पर आएंगे, मीटर से एक स्टेप जंप करके डेसी पर आएंगे, डेसी से एक स्टेप जंप करके सेंटी पर आएंगे, और सेंटी से एक स्टेप जंप करके मिलीमीटर पर आएंगे। तो दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है कि हम कितना स्टेप का, हमारा क्वेश्चन है वो कितने स्टेप का है, ये हमने स्टेप आपको अभी बता दिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको कहूँ कि एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो एक किलोमीटर में मतलब हम किलोमीटर पर खड़े हुए हैं, किलोमीटर पर हम खड़े हुए हैं और किलोमीटर से हमें मीटर में जाना है, तो हम किलोमीटर पर खड़े हुए हैं और हमें मीटर पर जाना है। तो किलो से मीटर पर जाना है, तो देखिए दोस्त, किलो से हेक्टो एक स्टेप हो जाएगा, हेक्टो से डेका एक स्टेप हो जाएगा, डेका से मीटर एक स्टेप हो जाएगा, तो इसमें तीन स्टेप हो रहे हैं। तो तीन स्टेप हो जाएंगे तो तीन जीरो आएंगे, क्योंकि मैं ये बता देता हूँ आपको ट्रिक कि एक स्टेप में एक जीरो का गुणा होता है, फिर अगले स्टेप में फिर एक जीरो का गुणा होगा, अगले स्टेप में फिर एक जीरो का गुणा होगा। तो इससे क्या होता है कि हर स्टेप में एक जीरो का गुणा होता है, लेकिन गुणा कब होता है वो बाद में बता देता हूँ। जब हम किलो से इस तरफ मिली की तरफ जाएंगे, या आगे से हम किलो से मिली मीटर की तरफ जाएंगे, या आगे से ऐसी लाइन में हम इस तरह से बढ़ते जाएंगे, तो इस तरह से बढ़ने पर गुणा होता है, और पीछे से यदि हम आगे की तरफ आएंगे तो इसमें भाग होता है। जैसे मैं अगला क्वेश्चन यदि पूछ लूँ कि एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो एक मीटर में कितना किलोमीटर होंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन पूछा है कि मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो मीटर में कितना किलोमीटर होता है, मीटर से हम किलो पहुँच रहे हैं, तो हम एक मीटर से डेका पर आएंगे, एक जीरो, डेका से हेक्टो पर आएंगे, दूसरा जीरो, हेक्टो से किलो पर जाएंगे, तीसरा जीरो। तो तीन जीरो का हमें करना है, लेकिन क्या करना है, हम पीछे से आगे जा रहे हैं, तो हमें तीन जीरो का डिवाइड, तीन जीरो मतलब कि 1000, तो हम उसमें एक में हम 1000 का डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम आगे से यदि हम पीछे जाते हैं तो हम गुणा करते हैं, जितना स्टेप जाएंगे उतने बार हम 10-10 का गुणा करेंगे, और पीछे से हम आगे जितने
स्टेप आएंगे उतनी जीरो का हम भाग करते हैं। तो हमने दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में कुछ एग्जांपल लिखे हैं, तो उन एग्जांपल को हमें करना है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। पहला क्वेश्चन है तो 5 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये हमें करना है। तो 5 में हमें किसका गुणा करना है, कितने जीरो का गुणा करना पड़ेगा 5 में, 5 किलोमीटर है तो ये हम देखते हैं। और हमें जाना कहाँ से है, किलोमीटर से मिलीमीटर, अर्थात इसमें देखिए किलोमीटर से मिलीमीटर हमें जाना है तो हम आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं तो ये हमें मालूम है गुणा करना पड़ेगा। लेकिन कितने स्टेप्स गिन लेते हैं, किलो से हेक्टो, हेक्टो से डेका, डेका से मीटर, मीटर से डेसी, डेसी से सेंटी, सेंटी से मिली, तो इसमें अपने 6 स्टेप हो गए हैं। तो हमें 6 स्टेप मतलब 6 बार 10-10 का गुणा करना है। तो इसमें जो हमारा 5 किलोमीटर का आंसर हो जाएगा, 5 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो हमारे 5 किलोमीटर में होंगे, 5 में हम 6 बार 10-10 का गुणा करेंगे तो 10 की पावर 6, या आप 6 बार 0 बढ़ा सकते हो, 5 के बाद 6 0 बढ़ा सकते हो, तो ये अपना हो जाएगा 5 किलोमीटर में इतना मिलीमीटर हो जाएगा। इसको पढ़ सकते हैं अपन, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,00,000, 10,00,000, 50,00,000 मिलीमीटर हो जाएगा 5 किलोमीटर में, या 5×10^6 भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि 3 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे नंबर क्वेश्चन, 3 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर। तो हमें करना 3 में है, लेकिन क्या करना पड़ेगा हम ये देखते हैं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो पिछली स्लाइड में जाते हैं, इसमें मिलीमीटर से हमें सेंटीमीटर में जाना है। देखिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो हम पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम पीछे से आगे की तरफ जाएंगे तो एक ही स्टेप जा रहे हैं हम, मिलीमीटर से सेंटीमीटर एक ही स्टेप हम पीछे से आगे जा रहे हैं, तो एक बार हमें 10 का भाग देना पड़ेगा। तो 3 बटे 10, तो ये हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। तो 3 मिलीमीटर में दोस्त होंगे 0.3 सेंटीमीटर। अगला तीसरा क्वेश्चन है, 100 सेंटीमीटर बराबर मिलीमीटर, हमें 100 सेंटीमीटर में बताना है। 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे ये हमें बताना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो 100 सेंटीमीटर देखते हैं, सेंटीमीटर ये आगे है और मिलीमीटर उसके पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो हम आगे से पीछे जा रहे हैं, तो आगे से पीछे जा रहे हैं तो हमें गुणा करना पड़ेगा। लेकिन कितना स्टेप है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर के बीच में 1 स्टेप है, अर्थात हमें 10 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो 100 × 10 करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 1000 mm, या 1000 मिलीमीटर आंसर हो जाएगा। तो हमें दोस्तों ये ध्यान रखना है कि गुणा करना है कि भाग, और कितने स्टेप हम चल रहे हैं ये हमें ध्यान रखना है। अगला चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें लिखा है 10,000 मिलीमीटर, 10,000 mm वो हमें किलोमीटर में बदलना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि mm से किलोमीटर में जाएंगे तो कितना स्टेप हो रहा है और क्या करना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं जो मिलीमीटर है सबसे पीछे है, और मिलीमीटर से हमें जाना है किलोमीटर में। तो मिलीमीटर से हमें किलोमीटर में जाना है तो हमें मालूम है कि 6 स्टेप हैं। मिलीमीटर से सेंटी 1 स्टेप, सेंटी से डेसी 2 स्टेप, डेसी से मीटर 3 स्टेप, मीटर से डेका 4 स्टेप, डेका से हेक्टो 5 स्टेप, हेक्टो से किलो 6 स्टेप। 6 स्टेप हम पीछे से आगे जा रहे हैं, तो पीछे से आगे जा रहे हैं तो हमें भाग देना पड़ेगा 6 जीरो का। तो हम इसमें 6 जीरो का भाग देंगे, इसमें हम 6 जीरो का भाग देंगे तो इसमें हम लिख देते हैं अपॉन में 6 जीरो। 6 जीरो में काटते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये 4 जीरो 6 जीरो, 1 जीरो और हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 6 जीरो थे, तो 4 जीरो से ऊपर का 4 जीरो कट गया है, तो 1/100 बचेगा। और 1/100 भी हम कह सकते हैं, लेकिन 1/100 को आप चाहे तो 0.01 भी आप कह सकते हो। तो इसका आंसर होगा 10,000 मिलीमीटर में 0.01 किलोमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है 0.001 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो हम पिछली स्लाइड में जाके आपको बताते हैं कि क्या करना पड़ेगा हमें। तो हम देखते हैं पिछले स्लाइड में, इसमें दिया है किलोमीटर से हमें जाना है किलोमीटर से मीटर। तो देखिए आप, किलोमीटर आगे है, मीटर पीछे है, तो हम आगे से किलोमीटर पर खड़े हुए हैं, हम मीटर पर पहुँच रहे हैं। तो किलो से हेक्टो 1 जीरो, हेक्टो से डेका 2 जीरो, डेका से मीटर 3 जीरो, तो हम आगे से पीछे जा रहे हैं 3 जीरो, तो हमें 3 जीरो का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें हम 3 जीरो का गुणा करेंगे, 3 जीरो का इसमें गुणा करेंगे। तो इसमें 3 जीरो का जब गुणा करेंगे तो ये गुणा करने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। पहले हमें पॉइंट नहीं रखना है, सबसे पहले हमें गुणा करना है 1000 का 1 में गुणा करेंगे तो जी 1000 आ जाएगा। और अब हम पॉइंट दशमलव रखेंगे 3 पर, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 3 अंक पर दशमलव रखेंगे, तो 3 अंक पर दशमलव रखेंगे, दशमलव इधर आएगा, तो इसका आंसर होगा
एक मीटर, इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर। तो इस तरीके से हम दोस्तों निकाल सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन अभी आपको कमेंट्स के लिए दिया है, आप कमेंट्स करके इसका आंसर बताएंगे। एक क्वेश्चन है 0.5 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सेंटीमीटर में हमें इसकी वैल्यू बताना है। इसमें ऑप्शन दिए हैं 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर और 5000 सेंटीमीटर। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था लेक्चर वन का, तो उसका आंसर था जो एक्सटिंग्विशर रहता है उसका मुंह कॉनिकल क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों उसका कॉनिकल मुंह प्रेशर को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि उसका डाया कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर रहा प्रेशर को बढ़ाने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में दे सकते हैं, मैं अगले वीडियो जो कल अपलोड करूँगा तो इसका आंसर आपको बताऊँगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।